श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव हमें बता रहे हैं, अगर हमारे शरीर के किसी भी अंग में गठान हो जाती है, गांठ हो जाती है और आगे हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं उसके इलाज के लिए, तो एक बार डॉक्टर के पास चेकअप कराने के पहले एक छोटे से उपाय को जरूर कीजिएगा। और क्या है वो उपाय, चलिए जानते हैं गुरुदेव के श्रीमुख से। बहुत सुंदर है, ध्यान दीजिए। कभी मौका लगे और कभी मौका लगे आपके पास में किसी के शरीर में गांठ पड़ गई, गठान हो गई हो, शरीर के किसी भी अंग में अगर गांठ पड़ी है और उसका जांच करवाने का डॉक्टर ने बोला है और जांच करवाने के लिए आप जा रहे हैं, बेले का फल, बेलपत्री का जो फल होता है वो फल सूख गया हो, जिसको हमारे यहाँ नवरात्रे का यज्ञ होता है या शिव जी का यज्ञ होता है या अन्य यज्ञ होते हैं, तो बेल के फल की आहुति भी दी जाती है। बेले का फल जो सूख गया, सूखा हुआ फल जलाकर उसकी भस्म तैयार कर लो, उस भस्म को पीपल के पत्ते पर रखकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख लेना और पिपलेश्वर महादेव का ही नाम लेकर बाबा देवाधिदेव महादेव से विनती कर कर जो रोग है और गठान कितनी है उस गठान की जांच कराने जा रहे हैं, यह भाव वर्णन कर उस भस्म को लेकर आ जाए शिव मंदिर पर, उसको थोड़ी सी देर रखकर पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर उसको लेकर आइए और उस कठान वाली जगह पर उस भस्म को लगाकर फिर आप जांच के लिए जाइए। मेरा देव अधिदेव महादेव चाहेगा तो जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी मारी, धीरे 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 रोग उस गठान वाली जगह पर अगर पिपलेश्वर महादेव से भस्म भी शंकर के नाम से, पिपलेश्वर महादेव के नाम से लगाई जाए तो गांठ भी धीरे धीरे गलना प्रारंभ। पिपलेश्वर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।